तेलंगाना सरकार ने कृष्णा नदी जल प्रबंधन बोर्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच पानी की हिस्सेदारी पर चल रही लड़ाई में और बढ़ोतरी हो गई है। तेलंगाना राज्य सरकार ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि पड़ोसी राज्य कुर्नूल जिले में पोथरीडी पाड़ू के हेड रेगुलेटर में स्थापित टेलीमेट्री मशीनों के साथ छेड़छाड़ की गई है। तेलंगाना सिंचाई अधिकारियों ने हाल ही में टेलीमेट्री सिस्टम में रिकॉर्डिंग का अध्ययन करने के लिए पोथरीडी पाड़ू से मुलाकात की और सरकार को तुरंत चेतावनी दी, जिसके बाद सरकार ने केआरएसबी के अध्यक्ष साहू और सदस्य सचिव समीर चटर्जी को पत्र लिखा। पत्र में तेलंगाना सरकार ने मांग की है कि केआरएमबी में मशीनों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और निजी एजेंसी मैक्ट्रॉनिक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को भी निलंबित किया जाए।